अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम एक खास इशू पर दे रहे हैं। जैसा कि आप सब ने, आपकी नॉलेज में आपने देखा कि ये जो हमारा पहाड़ी कबीला है, इसका जो केस इसके लिए एसी के लिए यहाँ से स्टेट से गया था, वो रजिस्ट्रार जनरल से होकर वेलफेयर मिनिस्ट्री से सारा क्लियर करके एक मिनिस्ट्री तक पहुँच गया है। तो उस जुमरे में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जिस वक्त ये हुक्मरान है, खासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, आपके थ्रू हम उनका शुक्रिया अदा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। आप जानते हैं कि जहां किसी भी इशू को, जो ये सोशल इश्यूज हैं, स्पेशली ट्राइब्स के, जो ट्राइब्स को एथनिसिटी की वजह से कोई शेड्यूलिंग करनी होती है, इसका जो प्रोसीजर बेसिकली है वो कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन, कमीशन की रिकमेंडेशंस, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आगे प्रोसेस है वो सारी जो हुई है। हमारे मसले में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जो यहाँ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था, वो पीरजादा साहब की जो एक कमीशन, पहले उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी उस कमेटी की, उस पर कमीशन बिठाया था। तो हम शुक्रगुजार हैं यहाँ यूटी गवर्नमेंट के लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब के, जिन्होंने के कमीशन की रिकमेंडेशंस को इन टोटो एक्सेप्ट किया, और हमारी एथनिसिटी होने का, हमारी गुर्बत का, हमारी पसमानदगी का ख्याल रखते हुए, उसको मलहूज़े खातर रखते हुए हमारा केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करके भेजा। हम बड़े उनके ममनून मशकूर हैं। जैसा क्या लगता है ये, इससे मैं आगे चलूं, अभी आके बताऊं मैं। उसके बाद जब ये नेक्स्ट स्टेज इसका होता है ट्रैवल मिनिस्ट्री में, ये फिर रजिस्ट्रार जनरल जो अथॉरिटी है उसको भेजा गया। रजिस्ट्रार जनरल के पास में ये सारी चीजें होती हैं कि वो पैरामीटर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनली बताए गए हैं कि किसी भी ट्राइब को अगर एथेंसिटी या उनको इसमें लाना, दर्जे फहरिस्त में लाना हो, तो उनके लिए जो भी पैरामीटर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किए होते हैं, क्या वो उन पर पूरे उतरते हैं कि नहीं। तो हम बड़े मशकूर हैं उसके कि रजिस्ट्रार जनरल ने वो क्लियर कर दिया। तो वो सबों के लिए जवाब था, उन लोगों के लिए कि जो ये कह रहे थे कि फलाना क्वालिफाई नहीं करता है, या फलाने का लैंग्वेज क्या है, लिंग्विस्टिक है, वो क्वालिफाई नहीं करते या नहीं है, उनका जवाब रजिस्ट्रार जनरल ने दे दिया। उसके बाद जो ट्राइबल कमीशन है, जब उन्होंने एक बार फाइनली उसको, उनके पास भी अपनी रिकमेंडेशंस और ये सारे पैरामीटर्स हैं, उन्होंने वो रिकमेंड करके भेज दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्ट्री में, जहां अब सिर्फ दो स्टेज रह जाते हैं, और वो दोनों स्टेज जो है वो पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल डिसीजंस के हैं, वो अब किसी प्रोसेस के मोहताज नहीं है। और उसमें हम बड़े ममनून मशकूर हैं अपने मुल्क के प्रधानमंत्री के, जिन्होंने ये नारा जो दिया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और उन्होंने हमारे मामले में ये साबित करके पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, कश्मीर को खास कर दिखाया कि वो इसमें सिर्फ बोलते नहीं है, इसमें एतमाद भी रखते हैं। यही हमारी क्वालिफिकेशन, कोई चेंज नहीं हुआ, हमारे कन में से चेंज नहीं हुए, जो हम 91 में थे वही आज भी हैं, वही तपी थे। आपको इससे उसके बाद पूरे मैं अपने प्रॉपर टाइम पर उनके लिए मैसेज भी दे दूंगा। ये जो हमारी क्वालिफिकेशन है, पैरामीटर्स हैं जो रिकमेंड होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गए हैं, ये हालात हमारे तब भी थे 91 में, जब दोनों कौमों की रिकमेंडेशंस गई थी, गुजर्स की, बकरवाल्स की, और पहाड़ियों की, और बाकी जो गदीज वगैरह 7-8 कौमें थी, लेकिन उस वक्त हमें ड्रॉप किया गया क्योंकि उन गवर्नमेंटों की नीयत साफ नहीं थी, और ना उनमें कन्विक्शन था, और ना उनमें दम था कोई फैसला लेने का। वो गवर्नमेंट है वो थी जो 47 का एजेंडा आगे चला रही थी, जहां वो चाहते थे कि पहाड़ी और गुजर इकट्ठे ना हों क्योंकि ये एक ताकत है,
और इसके साथ ये बेल्ट उन्होंने तब उस हमारा उड़ी का बेल्ट कट ऑफ किया उन्होंने, वरना ये पूरा मुजफ्फराबाद हमारे साथ होता। और अगर मुजफ्फराबाद साथ होता, पहाड़ी गुजर सारे इकट्ठे होते, तो इस वक्त दूसरा कोई सामने नहीं, यही लोग होते सामने इस वक्त, जो फिर ये हाल आज स्टेट करना होता। वो वही एजेंडा चलाकर उन्होंने आज तक हमारा इशू हल नहीं होने दिया और बटे रखा, एक दूसरे को हमारे के खिलाफ पिच किया, गुजर को हमारे खिलाफ और हम उनके खिलाफ। लेकिन आज की गवर्नमेंट, मैं सबसे बड़ा मशकूर हूं अपने होम मिनिस्टर का, जो उन्होंने अल्फाज कहे राजौरी में कि ये वो कौम है पहाड़ियों की जो बॉर्डर्स पर सेकंड लाइन डिफेंस रात को पहरा देते हैं ताकि पूरा हिंदुस्तान आराम से सोए। हम बड़े मशकूर हैं कि उस शख्स ने हमारी इस क्वालिफिकेशन को, हमारे इस किरदार को पूरे मुल्क के सामने पहुंचाया, जिसके लिए हम आज तक चला रहे थे कि हम हैं। हमें कह रहे एक ही तबके को भाई, जहां हम 10 आदमी रहते हैं, 3 को कहते थे यही सारा है, 7 को कहते थे ये नहीं है। लेकिन ये पहली गवर्नमेंट है जिन्होंने अपनी हर एक चीज तशखीस करवाई, इन्वेस्टिगेशन करवाई, एनालिसिस करवाई, पार्टी के तौर पर, गवर्नमेंट के तौर पर। और जब वो मुतमईन हुए कि इनसे ज्यादा मुहब्बल हुबल वतन और कोई नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे सेकंड लाइन डिफेंस यहां तैयार करके रखी है। 47 में इनको तकलीफ पहुंची, 65 में पहुंची, और आज भी इनके लड़के, इनके नौजवान ख्वाह फोर्सेस में है, पुलिस में है, शहदा की लिस्ट में सबसे आगे बड़ी लिस्ट हमारी है, 80% लड़के हैं। तो उन्होंने ये सारी चीजों को कंसिडर करके, उनमें ताकत थी फैसला करने की, उनमें ताकत था हर लोगों को, हक वालों को जिनका हक था उनको हक देने की, और आज उन्होंने ये फैसला किया और वहां पहुंचाए। हम बहुत मशकूर हैं अपने होम मिनिस्टर के जिन्होंने इसमें इस कदर दिलचस्पी ली और इस कदर उन्होंने ये सारा प्रोसेसिंग पूरी करवाई, ये सारा चैनल पूरा करवा के, वो सिर्फ जबानी बातें नहीं की, उन्होंने सारा कागजाती काम पैरामीटर्स पूरे करवाए। क्या आने वाले इलेक्शन में पहाड़ी लीडरशिप? यकीनन यकीनन होंगे। आप देखिए, हम इसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब के ममनून मशकूर हैं जिन्होंने आज से 3 साल पहले 19 के इसमें 15 अगस्त के इसमें नरेटिव में उन्होंने तकरीर में कहा था पहाड़ियों का हक जरूर मिलेगा, और कहा दिल्ली का लाल किले से, और आज उन्होंने पूरा करके दिखाया। और आप जो आप कहते हैं पॉलिटिकल में, आप जब पॉलिटिकल में सामने, पहाड़ी बेचारे हमेशा रहते थे, अब ये बात ही दूसरों के लिए रहते थे, लोगों के लिए रहते थे, अब अपने हक के लिए खुद आएंगे सामने। हमारे पास नौजवानों की कमी नहीं, हमारे पास अच्छे टैलेंट की कमी नहीं, हमारे पास लीडरों की कमी नहीं, हमारे पास ऐसे नौजवान है कि जिनका मुकाबला नहीं किया जा सकता है, वो सामने आएंगे इंशाल्लाह, जरूर आएंगे। हम आपके थ्रू सारे उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उन इकाइयों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी मदद की और इस स्टेज तक ये पहुंचाया। अब जो बाकी का काम है वो अब एक पार्लियामेंट में जब होम मिनिस्टर साहब इसको ले जाएंगे, उन्होंने ऐलान तो करके चले गए हैं बारामूला में, मैं क्या करूंगा उसके लिए, आप किसी को कोई शक और शुबा होना नहीं चाहिए, इसमें कैबिनेट से अप्रूवल होकर पार्लियामेंट में जाएगा। उसके बाद आप ये ना समझिए कि एक हफ्ते में नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं आप सब लोगों को ये भी अपने बता दूं, नोटिफिकेशन अप्रिप्रेट टाइम पर आता है। कोई ये ना कहे जिस तरह होम मिनिस्टर साहब चले गए तो उन्होंने कहा जी गला करके चले गए, नहीं, इसका एक समय होता है, इसमें टाइम लगता है। तो पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो अब होंगे, किस वक्त गवर्नमेंट चाहेगी कि इसको नोटिफिकेशन करो, वो नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा। और दूसरी चीज जो इसमें, अब ये पहाड़ी स्पीकिंग लैंग्वेज वाली जो स्पेसिफिक चीज, इसको एक्सप्लाइट करते थे, ये पहाड़ी एथनिक ग्रुप है। एथनिक ग्रुप का मतलब ये होता है कि वो सारे लोग जिनके तौर तरीके, जिनके रिवाज, जिनकी कस्टम्स, जिसका रहना सहना, जिनकी इक्तसादियत, जिनके अपने इक्तसादी कंडीशन इस एरिया में एक जैसी हो, वो एथनिक ग्रुप में आते हैं। तो मैं आपके थ्रू, आपके जरिए बहुत ये शुक्रिया अदा करता हूं उन सबों का, जस्टिस जी डी शर्मा का, उनके साथ जो मेंबर्स थे, मुनीर खान थे, भारती थे, उन्होंने हमारी ये बात सुनी। उसके बाद मैं पीरजादा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पहली रिसर्च 2 साल की, वो जगह जगह बैक बैक हर घर पहुंचे उनके 15 स्कॉलर्स लेकर, और उन्होंने रिसर्च करके बनाई, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं वहां जनरली उन गवर्नमेंटों को भी ये कहूंगा कि एनसी के टाइम पर अगर उन्होंने कभी कुछ किया हो, हालांकि वो अपने बयान में इस वक्त कभी 82 पर पहुंच जाते हैं,
कभी पेन पेपर पर होता, जबकि ये सिलसिला अकादमी में स्टार्ट हुआ है। तो बहरहाल हर एक का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। मैं आज उन सब अपने लीडर साहिबान, क्योंकि मैं इसमें एक पिविट के रोल पर अकादमी में एंटर किया हूँ, जिसमें जितने हमारे लीडर साहिबान थे, हमारे सियासी लीडर साहिबान थे, ख्वाह वो मिर्जा रशीद साहब थे, ख्वाह मुश्ताक बुखारी साहब थे, ख्वाह वो बाडिया साहब थे, ख्वाह वो मनीर मीर मुनीर थे, ख्वाह वो ताज हुसैन, अपने एक एडवोकेट ताज हुसैन है वो थे, मिर्जा जमान साहब थे। ये बहुत बड़ी लिस्ट है उनके मशहूर हैं जिन्होंने इतनी कोशिश की, क्योंकि हम उनको लेकर चलते थे, चलिए दफ्तरों में जाएं, हम मुलाजम थे लेकिन उनकी सुनते थे, उन्होंने मेहनतें की। हम उनके भी बहुत ही ममनून मशहूर हैं कि जिन्होंने इस कल्चर की पहचान बनाई पहले पहले, उसमें नूरुल्ला कुरैशी साहब थे, उसमें आलम साहब थे, उसमें रशीद कुरैशी साहब थे, जो यहाँ आए, जिन्होंने यहाँ हमको ये दिया एक असासा कि आप पहाड़ी लोग एक कल्चर हो, आपका अलग कल्चर है। हम ममनून मशहूर है मसूदी साहब के, जिन्होंने तन धन से इसको रजिस्ट्रेशन करवाई, इसको एक फाउंडेशन डाली, इस अपने फोरम की फाउंडेशन डाली। हम इस वक्त भी जो नौजवान पूंछ रजौरी में हमारे हैं, जो इसमें लगे हुए हैं, ख्वाह वो अपने मुर्तजा खान साहब हैं, ख्वाह वो रशीद कुरैशी साहब हैं, ख्वाह वो अपने दूसरे ये एहसान मिर्जा साहब हैं, और खासकर मैं इस वक्त एक बात कहूँ कि बीजेपी के वो लोग जो इस वक्त अपनी रियासत के प्रेसिडेंट हैं यहाँ, मिस्टर रैना, विबोध गुप्ता, सुनील शर्मा साहब, मैं इनका तह दिल से अपनी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कदम कदम पर हमारी रहबरी भी की, हमारा केस भी प्लीड किया, हमारी मदद की। और मैं यहाँ उस शख्स को नहीं भूलूंगा, इकबाल मलिक साहब को, हमारे साथ ब्यूरोक्रेसी में था, उसको सब उन्होंने कहा भाई आप इस वक्त बीजेपी क्या ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन उस शख्स ने कहा कि अगर मेरे पहाड़ी का कुछ मुझे मिलता है मैं हर एक चीज ज्वाइन करूंगा। वो हालांकि डीडीसी भी बना, उसने बड़ी मेहनत की। उसके अलावा हमारे जिन साथियों ने, जिन दोस्तों ने इस काज को आगे ले जाने के लिए मदद की, हम उनके बहुत बहुत ममनून मशकूर हैं। और इंशाल्लाह